इंस्टाग्राम पर हम जैसे ही आते हैं एंड में जैसे ही इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो हमारे पास इधर तीन ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जो कि एक रिक्वेस्ट वाला और एक कॉल वाला और एक चैट्स वाला। तो जो कि आप देख से मैं इधर कॉल पे क्लिक कर दिया और आप देख से मैंने जितना भी कॉल रिसीव किया है या फिर मैंने इधर से कॉल किया है वो सब आपको इधर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख से इधर वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉल, इधर आपके सामने बहुत सारा इधर कॉल देखने को मिल जाता है। मतलब कि आप देख से ये सारा का सारा इधर आपके सामने इधर कॉल हिस्ट्री देखने को मिल जाता है, यानी कि वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉल, ये सब आपको इधर देखने को मिल जाता है। और आपको तो पता ही होगा कि अगर आप चाहते हैं अपने चैट को डिलीट करने के लिए तो आप इधर से आसानी तरीके से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। बट कॉल की रही बात तो कॉल आप तो डिलीट कर ही नहीं सकते क्योंकि इधर से आपके पास ऑप्शन नहीं आता। और यहाँ पर हम किसी भी क्लिक करते हैं किसी भी आइकन पर तो हमको इधर नहीं देखने को मिलता है कि कैसे हम इस कॉल हिस्ट्री को हम डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन सारे जो है आपके पास इधर कॉल हिस्ट्री इस डिलीट करने के लिए तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे इस कॉल हिस्ट्री या फिर वीडियो कॉलिंग ये सब आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। हालांकि अगर आप कहीं भी इधर खोज लेते हैं कि कैसे हम इसको डिलीट करते हैं तो आपको इधर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। सो इस वीडियो में आपको ऐसा एक सेटिंग बताएंगे जिसके माध्यम से आपका जो है सब कॉल हिस्ट्री जो कि आप देख से मैं कॉल पे क्लिक कर दिया ये सब आपके सामने इधर जैसे ही दिखा, यानी कि आपका ये कॉल वाला ऑप्शन है यही हट जाएगा। और जब यही हट जाएगा तो वीडियो कॉल और वॉइस कॉल का तो ऑप्शन ही नहीं है। और इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, यानी कि ये सब डिलीट हो जाएगा इस वीडियो को एंड तक देखने के। तो वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहिए एंड इस वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इधर आपको क्या करना होगा, इधर आपको देखने को मिले तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी कि यही वाला अकाउंट रहेगा, बस प्रोफेशनल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो आप देख से मैं जैसे कि इधर होम स्क्रीन एंड मैं ऐसे कुछ स्क्रॉल डाउन कर दिया, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर दिया जो कि आप देख से कॉल वाला ऑप्शन आ रहा है एंड मैं जो आपको सेटिंग बता उसके माध्यम से आपका ये कॉल वाला ऑप्शन है यही हट जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा चलिए हम आपको बताते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल से आपको इधर बैक आ जाना है होम स्क्रीन पर, जैसे ही आप आ जाते हैं एंड उसके बाद इधर आपको एक ऐसे स्क्रॉल डाउन कर देना है, यानी कि रेफ्रेश वगैरह कर लेना है। उसके बाद इधर आपको क्या करना है, इधर आपको देखने को मिलेगा आपका जो प्रोफाइल है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं एंड उसके बाद इधर आपके सामने इधर एडिट प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको थ्री डॉट वाला ऑप्शन ऊपर देखने को मिले इस पर आप एंड ऊपर साइड में देखने को मिले आपको इधर सेटिंग्स वाला ऑप्शन, तो क्या करना है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं एंड आपके सामने इधर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इधर आ जाते हैं एंड उसके बाद इधर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अकाउंट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं एंड आपके सामने इधर अकाउंट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह का स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इधर आपको देखने को मिलेगा इधर आपको, और उसके बाद इधर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको देखने को मिलेगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं एंड आपके सामने एक नया पेज देखने को मिल जाता है, जो कि आप देखते हैं गेट प्रोफेशनल टूल्स। तो इधर आपको अगर आप चाहें तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप नहीं चाहते पढ़ने के लिए तो सिंपल से आपको इधर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज देखने को मिल जाता है, और उसके बाद इधर आपको देखने को मिले व्हाट्स योर डिस्क्रिप्शन यू। तो इधर आप अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। और आपको एक बात इधर ध्यान में रखना है, इधर आपको देखने को मिले डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, इसको आपको ऐसे ऑफ ही रहना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद इधर आपको क्या करना है, डाउन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउन पर क्लिक करते हैं एंड उसके बाद इधर आपको थोड़ा सा वेट, और आप जैसे ही डाउन पर क्लिक करते हैं तो जो कि आप देख सकते हैं मेरे पास इधर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और आप जैसे ही इस पर डाउन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उधर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप क्रिएटर हैं या फिर बिजनेस, इधर आप चूज कर सकते हैं कोई भी। और जैसे ही आप डाउन पर क्लिक करते हैं तो उधर आपके सामने एक पेज आएगा, उधर आपको कट कर देना है। जैसे ही आप कट कर लेते हैं एंड उसके बाद आपका जो सेटिंग हो ऑलरेडी हो जाता है, यानी कि प्रोफेशनल अकाउंट आपका बन जाता है। बैक आपको भी आ जाना है, जैसे आप बैक आते हैं तो जो कि आप देख सकते हैं मेरे पास इधर, और जैसे कि आप मैं स्क्रॉल डाउन कर दिया तो मेरे पास इधर कॉल वाला ऑप्शन है वो हट गया है। सो आप इस तरीके से अपने इंस्टाग्राम का कॉल हिस्ट्री उसे आप डिलीट कर सकते हैं, यानी कि हाइड कर सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ करके दिखा दिया। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहले बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप हमारी वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकते हैं। सो फ्रेंड आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं किसी से नेक्स्ट वीडियो में।